ग्राहकों और किसानों को उचित हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार डिमांड और सप्लाई को नियंत्रित करने का रोड मैप तैयार कर रही है। पूरी खबर समझते हैं, जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ हैं। अमरीश, जानना चाहेंगे एग्री इंफ्रा पर साफ तौर पर हमें इससे समझ आ रहा है कि सरकार का खासा फोकस है, जरा समझाएं क्या प्लान है सरकार का। पति भी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एक किसान 500 किलो प्याज बेचता है, उसको बदले में मिलता है मात्र 2 रुपए का चेक। तो सरकार ये चाहती है कि ऐसा ना हो भविष्य में भी, और इस तरह की बाकी फसलों के साथ भी सरकार एक बड़ा रोड मैप तैयार कर रही है ताकि अगर ऐसा होता है कि पैदावार बहुत ज्यादा होती है या फिर किसी एक मंडी या फिर किसी एक लोकेशन पर बड़ी मात्रा में सप्लाई हो जाती है जिसका की फर्क जो है कीमतों पर पड़ता है, तो ऐसे में सरकार उसको प्री एज्यूम करके, उसकी तैयारी पहले से करके उसको नियंत्रित कर सकती है। यानी कि किसानों को जो लागत है उससे ज्यादा दाम भी मिलेगा, और वो जो खरीदारी की गई है ऐसी कंट्रोल सिचुएशन में, उस खरीदारी को सरकार डिस्पैच कर देगी उन लोकेशन पर जहाँ के दाम ऑलरेडी ज्यादा है। जैसा कि अभी हमने देखा हाल के दिनों में की कीमत ज्यादा होने पर नाफेड ने खरीदारी की और नाफेड ने वो प्याज फिर दिल्ली के मार्केट में भेजी जहाँ के दाम जो है 20 रुपए ऑन एन एवरेज है और उससे ज्यादा है बल्कि। तो ऐसे में दो फायदे हुए, पहला तो ये कि किसानों को जो कम कीमत मिल रही थी वो कीमत थोड़ी ज्यादा मिली है, इसके साथ साथ उन लोकेशन पर जहाँ पे कि दाम ज्यादा है वहां सप्लाई बढ़ी है, इससे कीमतों को नियंत्रित करने में, कीमतों को कम करने में जो है मदद मिली है। तो सरकार आने वाले दिनों में हर एक तरह की फसल के लिए, चाहे वो असेंशियल कमोडिटी हो या फिर किसी एमएसपी सपोर्टेड कमोडिटी हो, उन सभी फसलों के लिए एक बड़ा रोडमैप तैयार करे जिससे कि संबंधित मंत्रालय अपने अपने स्तर पर जो इनपुट देंगे उसके साथ एक बड़ा गाइडलाइन जो है सरकार जारी करेगी ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की जो दिक्कत है कि सप्लाई ज्यादा हो गई, दाम कम मिल रहे हैं, वो ना आए और आने में उसका जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे देश में किया जा सके। जी, धन्यवाद करेंगे अमरीश इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त एक ब्रेक का भी यहां पर